पर फीता काटने की राजनीति में उलझे रायपुर नाका स्थित रेलवे अंडरब्रिज में आम नागरिकों की आवाजाही शुरू हो गई, जिसका नारियल फोड़कर आप पार्टी के सदस्यों ने किया शुभारंभ। लंबे समय से रेलवे अंडर ब्रिज को आम जनता के लिए खोले जाने को लेकर मामला सामने आता रहा है, लेकिन वहीं इसको लेकर स्थानीय पार्षद अरुण सिंह ने भी हल्ला बोल प्रदर्शन कर ध्यान आकृष्ट करवाया था, लेकिन इसके बावजूद फीता काटने की राजनीति के चलते रेलवे के हस्तक्षेप के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। वहीं मंगलवार की सुबह आप पार्टी के सदस्यों द्वारा सुबह रायपुर नाका स्थित अंडर ब्रिज पहुंचकर बाकायदा नारियल फोड़कर झंडा दिखाकर आम नागरिकों की सुविधाओं के लिए आवाजाही को शुरू करवाया गया। इसे लेकर आपके सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष दी है। आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने कल विधायक अरुण अरोरा जी को ज्ञापन दिया था, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर के अविलंब रायपुर नाका अंडर ब्रिज को खोलने की मांग की थी। उसके बावजूद कांग्रेस और भाजपा की फीता काटने, राजनीतिक लाभ लेने की होड़ के कारण जनता को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। जो करोड़ों रुपये का अंडर ब्रिज जनता के टैक्स से बना है, वही जनता आज भटक रही है। बच्चे स्कूल जाने के लिए घूम करके जाते हैं। हमने अपने ज्ञापन में कलेक्टर महोदय को लिख के दिया था कि अगर तुरंत चालू नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी के सदस्य उस अंडर ब्रिज को खोल देंगे, और उसी कार्यक्रम के तहत आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने आज सुबह 7 बजे रायपुर नाका अंडर ब्रिज को जनता की आवाजाही के लिए खोल दिया। जनता के टैक्स के पैसे से बना अंडर ब्रिज राजनीतिक लाभ लेने की होड़ में, श्रेय लेने की होड़ में उनको उनके अधिकारों से वंचित रखना राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस भाजपा का कितना न्याय संगत है, ये उनको सोचना चाहिए। जनता के टैक्स के पैसे का बना हुआ अंडर ब्रिज पहले ही 3 वर्ष 2 वर्ष लेट चल रहा है, लेट से उनको मिल रहा है, तो आम आदमी पार्टी ने आज इसका उद्घाटन करके जनता को समर्पित कर दिया। धन्यवाद। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।